कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर दो, तबीयत से उछालो यारो। ये चंद शब्द सीए सुधीश शर्मा पर सटीक बैठते हैं, चार्टर अकाउंटेंट जिनके जुनून और जज्बे की कहानी है आर फॉर नेशन, यानी एक घंटा देश के नाम। बीकानेर रो सीए स्वच्छता को लेकर इतने जागरूक और समर्पित हैं कि जिस मिशन से उनके साथ शुरू में 5 लोग जुड़े थे, आज वो 500 के पार हो गया है। 5 लोगों ने हमने शुरू किया था 6 साल पहले, लेकिन आज तकरीबन 500 लोग हमारी टीम में है। किसी तरीके की कोई बंदिश इसके अंदर नहीं है, किसी तरीके का दान चंदा शुल्क हम लोग नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम का बिल्कुल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सारे साधन हम लोगों के अपने हैं। हमारी ये छोटी सी टीम पूरे शहर को या पूरे देश को हम लोग साफ नहीं कर सकते। हमारा जो मेन पर्पज है सफाई के साथ में एक मैसेज देना भी है। जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने प्रबुद्ध लोग बीकानेर के सफाई कर सकते हैं, तो आम लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये हमारी जिम्मेवारी है। जब तक हम इसको जिम्मेवारी नहीं मानेंगे, हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, तो शहर भी तो हमारा अपना है, अपना घर है, तो जब तक ये भावना हमारे अंदर डेवलप नहीं होगी, हम इसको साफ नहीं कर पाएंगे। जो भी सार्वजनिक स्थान है वो हम चयन करते हैं, और सभी लोग स्वेच्छा से इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, और इसके पीछे हमारा मोटो ये है कि शहर के हर कॉलोनी के लोग, हर प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़े और अपने आसपास सफाई रखें, और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। आधी आबादी यानी महिलाएं भी इस अभियान से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर फॉर नेशन टीम में अपना योगदान दे रही हैं। स्वच्छ बीकानेर को कैसे मेंटेन रखा जाए, इसे लेकर राय भी रखती हैं और प्रमुखता से मुहिम में हिस्सा भी लेती हैं। बिल्कुल, इसमें तो महिलाओं की भागीदारी तो प्रथम मानी जाती है, क्योंकि हम अपने घर से सफाई शुरू करते हैं, तो घर से सफाई शुरू करते हैं तो हम अपने समाज में लेके आते हैं, तो ये सबसे बड़ा हम लोगों का योगदान होता है कि हम घर से स्टार्ट होके और बाहर आए हैं। मैसेज ये देना चाहेंगे कि हम अपने घर का तो करते ही करते हैं, साथ में हमें अपने समाज के लिए भी योगदान देना है। अवेयरनेस के लिए ही नहीं काम कर रहे, साथ में अवेयरनेस भी चाहते हैं कि लोग देख के समझें उस चीज़ को कि भाई हम यहाँ से सफाई है तो कल हम उसको रिपीट ना करें। पर हमारा जो आवर फाउंडेशन है उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि हमें संडे को हर एक घंटा अपनी सोसाइटी को देना है, अपने बीकानेर को देना है ना। नेशन का मतलब हो गया कि हम बीकानेर में रहते हैं तो हम यहाँ से एक शुरुआत करें अच्छी, क्या पता इसका मैसेज जाए। ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि वो मान जाएंगे तो हमें आगे काम नहीं करना पड़ेगा, हम उसी तरीके से काम करते रहेंगे, क्या पता एक ना एक दिन 100% हो ही जाए। मुहिम के जज्बे को आला अधिकारी भी सलाम करते हैं, वो भी धीरे धीरे इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, फायदे गिनवाते हैं और झाड़ू वाले सीए का शुक्रिया भी अदा करते हैं। देखो, इसका एक ड्यूअल पर्पस है, अगर आप देखो, स्वच्छता तो हो ही रही है और भारत सरकार का भी यही है कि स्वच्छ रहे हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस के जो वातावरण और गली मुके भी। इसके साथ साथ आपकी सुबह सुबह एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है, तो इसके दोनों बेनिफिट्स हैं, तो स्वच्छता भी हो रही है प्लस आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द सिटी शुड डू दिस। साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर आर फॉर नेशन टीम का जज्बा काबिले तारीफ है, जज्बा जो जिद और जुनून की कहानी समेटे है। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास की रिपोर्ट।